भगवान नाम स्मरण करते हुए संसार के सभी व्यवहार संपादित किए जा सकते हैं, आपके किसी काम में कोई बाधा नहीं। आप लोग अन्यथा नहीं माने, जब शरीर अत्यंत अशुद्ध अपवित्र रहता है मलमूत्र त्याग के काल में, उस काल में भी मानसिक रूप से भगवान के नाम का जप किया जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। आप जीवा से उच्चारण भले ही न करें, क्योंकि उस समय बोलना शास्त्र निषिद्ध है, पर मानसिक नाम का अनुसंधान उस काल में भी किया जा सकता है। श्रीमन महाप्रभु जी की जिह्वा को इतना अभ्यास नाम का हो गया था कि शौच के काल में अपने दांतों से जीभ को दबा लेते, ऐसे दबा लेते, जीभ मानती नहीं थी, जीभ निकाल के उसको दबा लेते थे, कस के दबा लेते। तो एक बालक उनकी सेवा में थे, उनका नाम था गोपाल दास, बाद में गोपाल गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब महाप्रभु जी शुद्धि कर रहे थे, अब वो जल दे रहे थे, तो शुद्धि के बाद उन्होंने महाप्रभु जी से पूछा कि जय जय जिज्ञासा है बालक की, आप ऐसे जीव को दबा लेते हैं, कोई विधि है विशेष क्या? उन्होंने कहा कि गोपाल, इस जिह्वा को नाम के जप का इतना व्यसन हो गया है कि ये मलमूत्र त्याग के काल में भी रुकती नहीं है, मानती नहीं है, इसलिए इसको दबा के रखना पड़ता है। गोपाल दासी ने बालकपन से भोले भाव से कहा कि आप तो कहते हैं कि निरंतर श्री हरि नाम का आश्रय बना रहना चाहिए, और कहीं उस काल में ही मृत्यु आ गई तो? इसलिए यदि जिह्वा को अभ्यास है तो उस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इतनी बात सुनते ही महाप्रभु जी हुंकार करके मूर्छित हो गए। भगवान नाम की महिमा सुनकर प्रेम का आवेग जग गया और कहा कि तुम तो शिष्य नहीं, तुम गुरु हो। उनका नाम ही पड़ गया गोपाल गुरु। हमारे मोहल्ले में आश्रम है, बंसीबट मोहल्ले में गोपाल गुरु का मठ है, जगन्नाथपुरी में तो है ही है, वहां भी गोपाल गुरु का मठ। राधाकांत मटके ही तो थे गोपाल गुरु जी, भगवान नाम क्या कहें। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।